नमस्कार दर्शकों, तो सुबह के बज गए हैं 10 और मैं पहुंच चुका हूं अपने कार्यालय। तो चलो काम शुरू करते हैं। ओके, तो अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं। मेरी काम से कुछ 6:30 बजे के आसपास छुट्टी हुई थी और अभी मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। मैंने 2 महीना पहले ये फ़ोन परचेज़ किया था जो कि है 14 प्रो, और जब से मैंने इसको परचेज़ किया था मुझे छोटे छोटे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स इसमें पहले दिन से देखने को मिल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बग्स थे, फ़ोन अटक जाता था, डिस्प्ले रुक जाती थी, ऐप्स क्रैश हो रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे बट थे। मैं इससे पहले एक 14,000 का रियलमी का 4 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसमें भी कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी ब्रांड न्यू इस फ़ोन में मुझे देखने को मिल रही थी। पैसा बर्बाद पे। तो मुझे लगा कि भाई अपडेट के साथ शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो काफ़ी सारे अपडेट्स भी आए, iOS अपडेट्स आए, बट कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब मोस्ट ऑफ देम तो फिक्स हो गई थी, बट एक जो मेन प्रॉब्लम इसकी थी, इसका अलार्म ऐप कभी काम नहीं करता था। मैं रात को इसका अलार्म सेट करके सोता था, सुबह देखता था अलार्म टर्न ऑफ होता था, बजता ही नहीं था। ऐप में जाके देखा तो बंद हुआ होता था। तो पहले एक दो दिन तो मुझे लगा कि भाई शायद मैंने ही ढंग से सेट नहीं किया होगा, है ना। कई बार हो जाता है कि हमने किसी और दिन का सेट कर दिया या ऑन नहीं किया कुछ भी, बट ये कंसिस्टेंटली होता था, कभी इसका अलार्म का ऐप ढंग से काम करा ही नहीं। फिर अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है, बहुत ही वियर्ड चीज़। मैं रात को इसको चार्ज करके सोता हूँ, मतलब पूरी रात चार्जिंग पे नहीं होता, मतलब 70-80% इसमें चार्जिंग होती है। रात को सोया, सुबह देखा फ़ोन बंद। तो एक दो बार तो मुझे लगा कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी या कुछ। फिर जैसे ही मैंने इसको चार्जर में लगाया दोबारा ऑन हो जाता था और बैटरी उतनी ही रहती थी, 70-80%, बट फ़ोन पूरा मतलब स्विच ऑफ हो जाता था। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, अब ये काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली हो रहा है। कल रात को ये फ़ोन 2 बार ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हुआ। एक बार मेरी 6 बजे के करीब आँख खुली, मैंने फ़ोन ऑन करके टाइम देखा, फ़ोन बंद था, मैंने इसको ऑन किया, दोबारा 1 घंटे के लिए सो गया। जब दोबारा उठा तो फ़ोन दोबारा स्विच ऑफ हो रखा था। तो फिर ये इतना सब जो फ़ोन के साथ हो रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोलता कि ऐसे हर आईफोन के साथ होता है, बट हाँ, हो सकता है कि इस मॉडल में या इस डिवाइस, इस पर्टिकुलर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो। तो अभी क्या था कि मेरे 3 महीने पूरे नहीं हुए, मतलब एप्पल 3 महीने की गारंटी देता है, तो वो अभी मेरे 3 महीने पूरे हुए नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, अभी टाइम है तो एक बार जाके फ़ोन दिखा लो। तो अभी सीन ये था कि मैंने ये जो फ़ोन है ये एप्पल स्टोर से परचेज़ नहीं किया था, ऐप स्टोर बोल रहा हूँ, ये मैंने बेस्ट बाय से परचेज़ किया था। तो इससे पहले मैंने बेस्ट बाय में कॉल करके पूछा कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या मैं आपके स्टोर पे विज़िट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने कोई हमारे साथ गारंटी वगैरह नहीं ली थी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा एप्पल स्टोर में जाओ। तो फिर अभी मैं एप्पल स्टोर पे जा रहा हूँ, मतलब मैं मॉल पहुँच गया हूँ, अभी बस एप्पल स्टोर ढूँढना है। अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे वो क्या करेंगे, फ़ोन बदल के देते हैं, इसको रिपेयर करेंगे, या अपने हाथ खड़े कर लेंगे कि भाई हमको कुछ नहीं पता, ठीक है तुम देखो तुम्हारा काम जाने, नो आइडिया। मैं जस्ट एक बार आया हूँ, तो अभी देखते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ कि क्या सोल्यूशन मिला इसका। तो भाई मुझे एक ना चप्पल भी लेनी थी, तो मैंने देखा कि भाई एक चप्पल की दुकान है तो चप्पल यहीं से ले लेता हूँ।
तो नाम तो चप्पल है बट बेच रहे हैं साले टोपियाँ। फिर बाहर थोड़ा जैसे बारिश वाला मौसम सा हो रखा है तो बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय और मोनैको उसके साथ बिस्किट जो आते हैं वो खाने का मन किया, तो मैं कहा चलो भाई मोनैको ही खरीद लेते हैं। बट साले ये भी कपड़े बेच रहे हैं, बिस्किट इनके पास भी नहीं है। जैसे इंडिया में भी एप्पल स्टोर खुला है मुंबई में, तो मैं उसका देख रहा था भाई स्टोर कैसा है, वीडियो उसकी देखी मैंने एक दो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर में खड़ा हूँ और ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं। मतलब भाई उन्होंने अंदर ही पेड़ उगा रखे हैं, ऊपर मतलब डबल स्टोरी बिल्डिंग है उनकी, सब शीशे शूशे, नेचुरल लाइट आ रही है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस इन्होंने अपने सामान वगैरह सब रखा हुआ है और बस ये इतना सा है। इससे बड़ा स्टोर तो भाई जो थर्ड पार्टी जो पहले ओन करती थी इंडिया में उनके इनसे बड़े स्टोर हो जाते थे, बट ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट अभी मॉल से निकला और मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा वहाँ पे। तो जब मैंने उनको पहले बताया जाके कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला कि हम आपके लिए एक टेक्नीशियन की अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। तो पहले मुझे लगा कि भाई वो कुछ 4-5 दिन बाद होगी, बट उन्होंने बोला कि जस्ट 20 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको और यहीं पर टेक्नीशियन बैठे हुए हैं पीछे उनके, तो आप उनके साथ जाके मिल लेना, वो आपका फ़ोन वगैरह चेक कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो 20 मिनट में वेला था ऐसे ऐप स्टोर एप्पल स्टोर में मैं घूमता रहा, फिर अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका था, फिर मैं टेक्नीशियन से मिला, उसने फ़ोन चेक किया, कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग करी, उन्होंने मेरा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट किया, कुछ डेटा मेरा डिलीट नहीं हुआ बट जो इसमें सारा ऐप्स वगैरह का डेटा सेव था वो सब डिलीट हो चुका है। बट उन्होंने बोला कि यार फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनको कोई ऐसा क्या बोलते हैं इश्यूज़ उनको नज़र नहीं आए, तो कहते कि आप अभी फैक्ट्री रीसेट हमने कर दिया है, कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग कर दी है, तो आप इसको कुछ दिन चला के देखो, होपफुली ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना आए। स्टिल अगर आप वो इशू मतलब प्रसिस्टेंट रहता है वो फिर भी सॉल्व नहीं होता, फिर कहते हैं कि हम पार्ट्स रिप्लेसमेंट, फ़ोन रिप्लेसमेंट, इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे। बट होपफुली क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा कुछ इशू नहीं था, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम था है ना, कि मतलब अलार्म ऐप नहीं काम कर रहा है या फ़ोन शट डाउन हो रहा है, तो फिज़िकल डैमेज तो कुछ था ही नहीं, मेरा फ़ोन ऐसे टूटा वूटा भी नहीं है। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली अभी सब सही से काम करे, क्योंकि मैं भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था अलार्म लगाने के लिए। अब देखो सुबह कल उठना है मुझे, 7 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगा, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता। बाकी हाँ अभी तो जैसे मैंने फ़ोन यूज़ किया तो लग तो रहा है, मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस में मुझे हल्का सा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फ़र्क लग रहा है, तो हो सकता है कि इशू फिक्स हो गया। बाकी शिनूक सेंटर ये रहा, मेरी बस यहाँ पे आने वाली है 10 नंबर। मुझे वैसे अभी ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी, मेरा कुछ खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, बट मुझे लग नहीं रहा मैं कर पाऊँगा क्योंकि घर ही मैं 10:30 तक पहुँचूँगा और स्टोर ग्रॉसरी वगैरह के 10 बजे तक बंद हो जाएंगे।